2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 25 मई को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहाँ छठे फेज में वोटिंग हो रही है। वही आपको बता दें, 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, बसपा ने 4, सपा ने 1, जेडीयू ने 3 और टीएमसी ने 3, वही एलजेपी ने 1 और आजसू ने 1 सीटें जीती थी। तो वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। वही 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वही चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। बता दें, 543 लोकसभा सीटों में पांचवें फेज तक 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। वही 25 मई तक कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। आखिरी और सातवें फेज में 56 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र काफ़ी दिनों पहले से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। जैसे ही MCC लगा था तो उसके बाद ECI की जैसी जैसी गाइडलाइंस थी उसके तहत हमने उचित कार्रवाई की थी। उसके अलावा कंटिन्यूसली हम लोग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसमें हम काफ़ी सारी CAPF की भी मदद ले रहे हैं। कंटिन्यूसली अभी कुछ दिनों से ब्रीफिंग्स हो रही है सबको। एक लार्ज स्केल पे भी ब्रीफिंग दी गई है, प्लस उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के स्पेसिफिक भी मतलब माइन्यूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ब्रीफिंग्स हुई हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी सेफगार्ड मेजर्स हैं, जैसे कि इंटरस्टेट नाकाज हो गए, QRTs हो गई, फ्लाइंग स्क्वाड्स, SSTs वगैरह, सब अपना काम कर रहे हैं। एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव शांति से और अच्छे से निकल जाए।